प्रणमामि हरिभ्ये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवे सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमात भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे किसको याद है थोड़ी बहुत? लास्ट में हमने कहा क्या बोला था? हाँ जोर से बोलो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गद श्री गदाधर ने है? गदाधर ने जो मुसलमान बड़ा दुष्ट और बदमाश था, वो कभी वैष्णव का नाम संतों का नाम ही नहीं सुन पाता था, लेकिन महाप्रभु जब सबको भक्ति दिया तो वही एक व्यक्ति था जो भक्ति नहीं कर रहा था। गदाधर पंडित उसको पास में भी गए और उनको भी उन्होंने कृपा की। बोलो बोलो हरि बोल। बोले आज जाओ कल मैं हरि बोलूंगा। बोले क्यों? अभी तो हरि बोल दिया है, अभी तो हरि बोल दिया, तुम्हारी उद्धार हो गया, इसलिए तुम्हारी सारे अमंगल दूर हो गया। और इसको देख करके श्री गदाधर पंडित नाच उठे। काजी भी कहते ये जो काजी कहते इतना दुष्ट था, ये है इतना दुष्ट था किसी साधु का नाम तक भी नहीं सुन पाता था, इतने दुष्ट। मुसलमान तो वैसे मुसलमान है, हिंदू धर्म को तो उनका ही, उस समय राज्य तो उनका ही था, हिंदू धर्म को तो हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे, बल्कि इनका तो छाया छूने से गंगा में स्नान करना पड़ता है हिंदू है, इसलिए हिंदुओं को वो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या है को? उनको भाषा में एक बोलते काफी ये सब के सब काफी है। इसलिए कहते श्री गदाधर पंडित उनको भी उधार किया। उधार करके उन्होंने क्या किया, श्री नित्यानंद प्रभु ने ब्रह्मा शंकर आदि जो दुर्लभ प्रेम को कामना करते हैं उन्होंने वह प्रेम को उन्होंने प्रदान किया। बोले भज भाई है न नित्यानंदे चरण जहार प्रसाद पाई चैतन्य चरण। क्या करो कहते सुन भाई नित्यानंदर चरण, भज भाई नित्यानंदर चरण। इसलिए जिनकी चरण भजन करने से क्या होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में अपनी आप भक्ति प्राप्त हो जाता है जिनकी कृपा से। इसलिए आप प्रश्न कर रहे थे ना, भगवान कहते मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मेरे असली भक्त है, और जो लोग कहते हैं डायरेक्ट मेरा भक्त है मेरा भक्त नहीं। देखो यही यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, कहते जो श्री नित्यानंद प्रभु का चरणों को भजन करता है कहते अपने आप श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में अपने आप भक्ति मिल जाती है। नित्याय करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, नित्याय करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, दृढ़ कर धर नित्याय वाले। इसलिए कहते हैं भगवान कहते मेरे भक्तों का जो भक्त वो मेरे भक्त है, जो डायरेक्ट मेरा भक्त है तो मेरा भक्त है। इसका कारण क्या है? बोले कारण है अभी भगवान को भक्ति कैसे करना हमें थोड़ी पता है,
हमें ये चीज पता नहीं है, इसलिए ये चीज किसको पता है? इसलिए बलदेव प्रभु को पता है, बलदेव प्रभु को पता है कि नित्यानंद प्रभु जब इनकी शरण में जाएंगे और ये हमें बताएंगे कि जगन्नाथ जी को कैसे भक्ति करनी है। इसलिए राधा रानी कृष्ण की बड़े भक्त है, अभी हमें तो पता नहीं कृष्ण भक्ति कैसे करना है ना। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधिकार दास जदि हाय अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल का। अगर किसकी ये अभिमान हो जाए हम श्री राधा रानी की दासी हैं, उसको शीघ्र से शीघ्र उसको कृष्ण अपने आप शीघ्र उनको मिल जाते जल्दी जल्दी। इसलिए उनको भक्ति अपने आप उनको भक्ति मिल जाती, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा देती है कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो अभी तक हम भी घर में थे, अब घर में थे ना, लेकिन अभी घर छोड़कर मंदिर में क्यों आए? क्या भगवान कृष्ण ने आपको बताया? कृष्ण ने बताया नहीं, ये गुरु वैष्णव का जो कृपा होता है, जो गुरु वैष्णव से हम कथा सुनते हैं, ये जीवन क्या है, हमें भगवान ये जीवन क्यों दिया, जीवन पाकर हमें क्या करनी चाहिए, तभी हमने पढ़ते हुए भी पढ़ाई को एक तरफ करके 25 साल तक जिस पढ़ाई के लिए हमें इतना प्रचेष्टा किया, इसीलिए नौकरी के लिए है ना, नौकरी के लिए, लेकिन अब उसको एक तरफ में रख करके संतों के साथ में बैठे कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे, 25 साल जिसके लिए आपने इतना किया, लेकिन दो एक महीना में उसको छूट गया, सब छूट करके साधुओं के साथ में, सबके साथ छोड़ कर साधु साथ में बैठ गए, किसने किसकी कृपा से? जितने भी भगवान की कृपा है, लेकिन ये साधुओं का कृपा से, और साधुओं के पास में आने से वो क्या बोलेंगे, मेरे सेवा करो, मेरे भक्ति करो, वो क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, वे सिखा देंगे हमें भगवान की भक्ति करनी कैसे चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान जो कहते मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मेरे असली भक्त है। इसलिए अभी देखो हमारी सारा दुनिया में घर घर में भगवान राम है, कृष्ण है, नारायण, घर सभी घर में हमारे हिंदुओं घर में है, लेकिन वो कैसे भक्ति करते हैं? हमारे उड़ीसा में तो जो जगन्नाथ जी को पूजा भी करते हैं, जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, या तो मछली खाते हैं, कोई मछली मांस शराब पीते हैं, कारण क्या? अभी भक्त का दर्शन नहीं हुआ है, जगन्नाथ जी को तो दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा भी डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान की अभी सही कृपा उनके ऊपर नहीं, क्यों? अभी तक उन्होंने वैष्णव का संग नहीं किया है, वैष्णव का संग नहीं किया है, होने के नाते उनकी पूजा सेवा करते हुए भी ये सब चीज को ग्रहण कर रहे हैं, हैं? जो ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग बनाने के लिए आते हैं ना, वो मांस मछली खाकर पेट भर करके आते हैं, बोले क्यों? बोले ठाकुर को खाना देख कर हमारे लोग नहीं हो जाए खाने का, इसलिए पेट भर कर खाने के जाते हैं। इसलिए भगवान कहते मेरे भक्तों का जो भक्त है ना असली भक्त है, और जो मेरे डायरेक्ट भक्ति करते हैं सिद्धि भगवती बा नेति संशय अच्युत से बिना, मेरा जो सेवा करते हैं वो मुझे प्राप्त कर पाएंगे, भगवान कहते मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं जो मेरे भक्तों का भक्त है वो असली भक्ति है, जब भक्तों का संग होगा तभी हमें शुद्ध भक्ति तभी हम प्राप्त कर सकते हैं, आप भी हम नहीं कर सकते। हम भी गाँव में थे, भगवान जगन्नाथ पूजा करते थे, लेकिन सब खाते थे पीते थे सब करते थे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते नित्यानंद प्रभु का अगर कृपा होगा यानी श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण को प्राप्ति होगी। अभी श्री पुरंदर जी का कथा सुना रहे हैं, महाप्रभु का एक भक्त थे जिनका था श्री पुरंदर, कहते इनकी अद्भुत जीवनी है, कहते नित्यानंद प्रभु उनके घर में भी गए, बोले इनका जीवनी कैसे? कहते वहां पर एक स्थान है जिसका नाम खड़दह, इसलिए कहीं के सुनने को मिलता खड़दह का नाम क्यों पड़ा? कहते जब नित्यानंद प्रभु जब महापुरी में थे, महाप्रभु बोले जाओ तुम भक्ति तरफ, और शादी करने के लिए महाप्रभु का आदेश दिया है, लेकिन जब शादी करने के लिए गए, जब उन्होंने अभी की तो पहले नित्यानंद प्रभु संन्यास थे, अभी संन्यास को कोई बैठी देगा? फिर भी जिंदगी इसको खुद का जिंदगी भी बर्बाद, ये भी हमारे बेटी का जिंदगी बर्बाद कर देगी, इसलिए साधु है, इसलिए साधु को तो कोई बेटी नहीं देगा, इसलिए लेकिन इन्होंने जब सिर्फ वसुधा जानवर से शादी किए
बोले कई कहते हैं जो जानवर उसने शरीर छोड़ दिया था इसलिए उनको चलाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने दो बार उनको प्राण संचार कर दिया। जो कर दिया फिर उन्होंने अपना दोनों बेटी को ही उन्होंने उनको सेवा में दे दी। अभी पहले तो सन्यासी थे, अभी तो शादी कर लिए। अभी देखा जब तक शादी नहीं हो ना तब तक तुम्हारी कोई चिंता है क्या, खाने के लिए क्या, रहने के लिए कोई चिंता भी है? लेकिन शादी कर लो, पता नहीं दिमाग में कहाँ कैसे घर बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, पत्नी को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले बीवी को कहाँ रखेंगी, अगर बच्चे हो गया तो फिर हो गया है। लेकिन जब तक शादी नहीं किया ना, रमते जोगी बेहत पानी, कोई चिंता नहीं है, है? इसलिए क्या कर रहे हैं, क्या बात करते, इसलिए साधु की कोई चिंता नहीं। साधुओं की मस्त में रहो, भगवान की भजन भक्ति करो। शादी करते ही सारा दुनिया जितना बोझ है सब सर पर में पड़ जाता है। अभी शादी की है तो पत्नी को कहा रखे, राजा को जाकर के बोले हमें कोई जगह दे दो, हम शादी किया अभी कहाँ रहेंगे? बोले कुछ जगह वगैरह कुछ है नहीं, हमारे देश में कोई जगह नहीं। तब नित्यानंद प्रभु तो साधारण है नहीं, बड़े प्रभु, उन्हें बोलते खड़ था, खड़ कहते हैं हमारे उड़िया में जिसको कहते चाड़ बात जहाँ कहते खड़ उड़िया के होते खड़ को कुटा है, इसलिए खड़ मतलब घूस है जो धान का पेड़, उसको कहते खड़। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया, बोले तुम्हारे देश में नहीं जाएंगे, तुम्हारे देश अलग रहेंगे। उन्होंने उसको उठाया है, घूस को उन्होंने पानी में फेंक दिया। जब फेंक दिया ना, अपने आप वहां पर एक टापू हो गया, बड़ा सुंदर। फिर उन्होंने वहीं पर नित्यानंद प्रभु रहते थे, उसके उसके इसलिए उसका नाम खड़ तह। खड़ मतलब होता है उड़ी, जो बंगला में खड़ मतलब होता है जो घूस है धान का जो पेड़, तह मतलब वो फेंकते ही अपने आप वहाँ सुंदर एक टापू सा हो गया। वहीं पर उन्होंने अपना पत्नी को लेकर के रहे। कहते नित्यानंद प्रभु वहां पर भी गए, वहां पर देवालय में गए, ठाकुर का दर्शन किया। कहते जो पुरंदर है इसका चरित्र बड़े दिव्य चरित्र है, ये कभी अपने आप पेड़ पे चढ़ जाते थे हैं, और कभी कभी शेर जैसे ताहड़ मारते थे, कभी कभी शेर को साथ में स्वयं खेलते थे, कभी कभी जो शेर है उसको पीठ पर कभी चढ़ जाते थे, कभी कभी सर्पों को लेकर के, अजगर सर्पों को लेकर कभी कभी उन्होंने अपना गोद में लेकर के बैठ जाते थे हैं। कहते बड़े उनके अद्भुत जीवन है। कहते श्री नित्यानंद प्रभु वहां पर कुछ दिन रहे, रह करके बोले कत दिन था कि नित्यानंद खड़ दहे, सप्त ग्राम आई लेन सर्प गण लय। नित्यानंद प्रभु कुछ दिन बाद में अपना परिकरों को लेकर के सप्त ग्राम में आए। कहते सप्त ग्राम आदि सप्त ग्राम, कहते श्री जहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का स्थान है। कहते वो गांव का नाम सप्त ग्राम किसने नाम पड़ा है, कहते वहां पर पहले सात ऋषि लोग वहां पर निवास करते थे, बड़े बड़े ऋषि लोगों का तपस्या स्थान, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ेगा सप्त ग्राम है उसका नाम। वहां पर त्रिवेणी घाट है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पर तीनों नदी मिलते हैं, त्रिवेणी घाट है, और जहाँ पर सप्त ऋषि उसी त्रिवेणी घाट के पास में उन्होंने तपस्या करके भगवान का चरण कमल को उन्होंने प्राप्त किया था। नित्यानंद प्रभु वहां पर गए और गंगा जमुना सरस्वती को उन्होंने दर्शन किया, जहाँ स्नान करने पर सारे जीव का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु अपना परिकरों को साथ उधर वहीं पर उन्होंने स्नान किया। वहां पर एक उदाहरण ठाकुर थे, उदाहरण ठाकुर उसको ऊपर में भी महाप्रभु ने उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सेवा की। सेवा करने पर कहते जो उदाहरण ठाकुर है, कहते इनकी कृपा से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कृपा को उन्होंने प्राप्त किया, और उनकी कृपा से ही वहां पर जो बणिक लोग थे वो बणिक लोगों का उद्धार हुआ। बणिक समझते हो सोनार, ये सोनार लोग ऐसे है ना, ये सोनार कहते इनको इनका जो जात को पाप जाति मानी गई है, कारण है वो ऐसे कंजूस होते हैं। अगर अपना मैया अगर कोई सोना दी अपना कान के फूल नाक के बेसर कोई अलंकार करने के लिए, अपना माँ की क्यों नहीं वो काट कर रख लेगी
सोना इतना है ना, इतना तोला, एक तोला, एक तोला सोना भी कितना पैसा, 50,000 रुपया होगा। इतना लोभ सोना है ना, एक तो कच्चा पैसा है, उससे भी वो क्या करके सोना को काट कर, माँ भी देगा ना वहां से काट कर, अरे तुम लोग को दे दिया तो पूरा पूरा ठगी लेगी, पितले दे देगा पूरा पूरा सोना ही हड़प लेंगे। इसलिए इनका जो हाथ का पानी लोग सहज में ग्रहण नहीं करते। एक जो वकील होते हैं है, ये भी सब झूठ मूठ बात बोल कर पैसा कमाते हैं, और मिथ्या में सब पैसा कमाने वाले सब बात को बेच करके, और जो बैंक लोग हैं है, इसलिए। लेकिन सिर्फ उदाहरण ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु का परिकर बने, भक्त बने, इनकी कृपा से ही कहते ये जो बणिक लोग हैं, कहते सोनार लोग, इनकी कृपा से ही इनका भी उद्धार हुआ है। बोले बणिक तारित नित्यानंद अवतार, बणिकेर दिला प्रेम भक्ति अधिकार। कहते नित्यानंद प्रभु पतित व्यक्तियों को, जिनको कोई भी जगत में पूछने वाले नहीं, नित्यानंद प्रभु उनको ऊपर में कृपा किए, और इसलिए भी उन्होंने अवतीर्ण हुए और उनको प्रेम भक्ति की उन्होंने अधिकार बनाए। और वहां पर बणिक लोग भी श्रीमान नित्यानंद प्रभु का चरण को आश्रय ग्रहण किया। ये लोग सहज में भक्त नहीं बनते, लेकिन ये भी नित्यानंद प्रभु का आश्रय किया, और नित्यानंद प्रभु का आश्रय में कहते इनकी शरीर में जो प्रेम देखने को मिला है, अद्भुत जो प्रेम चमत्कार मिला, इसको देख करके बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी है, ब्राह्मण लोग भी देख करके आश्चर्य हो जाते थे। बोले बाबा रे, ऐसे व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु ने कृपा की है। कहते मूर्ख नीच नित्यानंद प्रभु ने सबको उन्होंने भक्ति प्रदान की, और दिन रात कृष्ण कीर्तन में नित्यानंद प्रभु भूल जाते थे, भोजन किया कि भोजन नहीं किया ये उनको याद नहीं रहते थे। और वहां पर कहते जो मुसलमान लोग भी नित्यानंद प्रभु का चरण को वे लोग भी आश्रय किए, मुसलमान लोग, और जिनकी प्रेम को देख करके बड़े बड़े लोग भी आश्चर्य हो गए प्रेम देख कर। बोले तबे कत दिन आई लेन शांति पूरे, आचार्य गोसाई प्रिय विग्रह घरे। कुछ दिन बाद में उन्होंने कहा है शांतिपुर, शांतिपुर कहाँ है, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का जहाँ कुछ कुटी है वहां पर आए, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु का जब देखा, दर्शन किया प्रेम में, अद्वैत आचार्य विभोर हो गए हैं, और उनको आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया, और दोनों दोनों को पकड़ करके ना जमीन पर लोट पटकाने लग गए, और एक दूसरे को चरण धूलि देने लग गए हैं। देखो नित्यानंद प्रभु कौन, बलदेव प्रभु, और अद्वैत आचार्य जो सदा श्री महाविष्णु है, दोनों ही विष्णु तत्व है, दोनों ही विष्णु तत्व, और दोनों दोनों को चरण धूल लेने के लिए है, दोनों दोनों को, एक तो वैष्णव, दोनों ही वैष्णव है, अकेला ईश्वर कृष्ण यद्यपि विष्णु तत्व है, लेकिन होने पर भी अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, अकेला जो कृष्ण केवल ईश्वर है, और साधारण रूप में सब उनको नृत्य है, सबके सब उनकी नृत्य है, एक दूसरे वैष्णव जैसे, एक दूसरे को चरण धूल लेने के लिए दोनों आपस में है प्रेम कलह कर रहे थे। आंगन गड़ा उन्होंने लौट पोट खाए, और दोनों सिंहनाद कर रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद में फिर दोनों स्थिर होकर वहां पर बैठे करके फिर श्री अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को स्तुति करने लगे। बोले मूर्ख नीचा अधमा पति तो उधारी थे, तुम्ही अवतीर्ण है आज पृथ्वी ते। अद्वैत आचार्य करे बोले प्रभु आप क्यों जगत में अवतीर्ण हुए हो। बोले जो मूर्ख जो नीच है जो पतित जो अधम है उनको उद्धार करने के लिए ही आप पृथ्वी में अवतीर्ण हुए हैं। जे भक्ति बांछाई जोगेश्वर मुनि गणे, जिस भक्ति को जोगेश्वर मुनि लोग भी प्रार्थना करते हैं वो तुम्हा हरि ते, मतलब तुम्हारी कृपा से उनको ये भक्ति मिलेगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही भक्ति मिलेगा। अभी सब कुछ करते हुए उन्होंने आए आई स्थान, कहाँ पर आए कौन है, सची माँ, तो उन्होंने श्री सची माँ को पास में आए।
बोले सही मते सर्वाते आईला आई स्थानी आसी नमस्कार लेना आई रचरणी। तो उन्होंने श्री सची मैया को घर में आई और सची माँ आके उन्होंने चरणों की उन्होंने वंदना किया और नित्यानंद प्रभु को देखते ही श्री सची मैया आनंद की सीमा नहीं रहा। क्यों कहते यद्यपि निताई और महाप्रभु दोनों भाई हैं, कहते श्री विश्वरूप जो थे उनकी बड़ा बेटा विश्वरूप था, इसलिए विश्वरूप ने किया कि श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में मिल गए विश्वरूप ने, इसलिए नित्यानंद एक तरह से जो नित्यानंद प्रभु उनका बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा कौन निमाई और बड़ा बेटा श्री नित्यानंद प्रभु उनको बड़ा बेटा बलदेव प्रभु उनका बेटा बेटा, इसलिए उनको जो देखे अपना बेटा ही है इसको देख करके उनके आनंद की सीमा नहीं रहा। इसलिए सची मैया कह रहे हैं बोले मेरे मन में बड़ी इच्छा कर रहे थे तुम्हें देखने के लिए हैं, इसलिए उन्होंने दोनों बेटा तो चले गए साधु हो गए, दोनों ही बेटा साधु हो गए, इसलिए कोई कोई कहते ना हाँ अरे हम अपना बेटे को साधु कैसे बना देंगे, लेकिन सची मैया का दो ही बेटे थे, दोनों ही बेटे बहुत साधु, दोनों ही साधु बन गए। इसलिए तब उन्होंने वहां पर कुछ दिन रह करके उनको सांत्वना दिया। तब श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं मेरे को देखने के लिए तुम्हारी इच्छा हुई थी ना, इसलिए तब नित्यानंद प्रभु वहीं पर रह कर कुछ दिन उन्होंने हर घर घर में गए और हर घर घर में जाकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, इसलिए उन्होंने घर घर में हरि कीर्तन किया। जब कीर्तन किया कहते नित्यानंद प्रभु कल हम श्रवण कर रहे थे ना, नित्यानंद प्रभु शरीर में बड़े कीमती अलंकार पहने हुए थे, बड़े कीमती रत्न, इसलिए अपना भक्तों को लेकर के भ्रमण कर रहे थे, पापी को से पापी को भी उन्होंने उद्धार किया। जो उद्धार कर रहे थे इतने में बोले चोर दस्यु अधम पतित नाम जार नाना मते नित्यानंद कहिले उद्धार। अभी बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु कैसे दस्यु को कैसे उद्धार किया, महाप्रभु भी उद्धार किया था, दो चोर को उद्धार किया था, लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु भी जो डाकू है डाकुओं को भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। बोले कैसे कहते ये कैसे उद्धार किया, बोले नवद्वीप में जो ब्राह्मण घर में जन्म हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म हुए थे पर भी लेकिन वो डाकू का सरदार, डाकू नहीं डाकुओं का सरदार, इसलिए यहाँ कह रहे हैं वो नामधारी ब्राह्मण। ब्राह्मण का ये काम है नहीं, ब्राह्मण का काम किया है जजन जाजन अध्यापन अध्ययन और दान प्रतिग्रह, ये छह गुण ब्राह्मण का है, लेकिन ये ब्राह्मण का छह गुण भगवान की पूजा सेवा भक्ति है, ये चार वर्ण में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन कहा ब्राह्मण धर्म छोड़ करके क्या कर रहे हैं डाकुओं का सरदार है, इसलिए कहते ये चोर का सेनापति ये है। अभी उन्होंने नित्यानंद प्रभु का शरीर में अलंकार को देखा, बोले वाह वाह ये तो साधु होकर के कितना संपत्ति, लाख लाख रुपया की संपत्ति, अभी तो करोड़ों करोड़ रुपया होगा, उस समय लाख मतलब कोई साधारण बात नहीं, अभी तो करोड़ों करोड़ रुपया की संपत्ति होगा, इसलिए अभी वो क्या करता है जान बुझ करके इनका शरीर में कहाँ कहाँ पर क्या हाँ कहाँ सोने हीरे जवाहरात क्या है वो जान बुझ कर उनको साथ में घूमते है, बोले चोरी कैसे इनको कैसे लुटा जाए इसको, अपने आप आकर उनका दोस्त बन गए, दोस्त बन करके घूम रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर इसने किया क्या पहना है इसको देख रहे हैं, उनको साथ साथ में घूमते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु को साधारण थोड़ी है, वो सर्वांतर जी वो समझ गए हैं ये का मुंह में राम राम बगल में छुरी हैं बगल में छुरी चाकू है वो समझ गए, इसलिए नित्यानंद प्रभु रहे किसको घर में, बोले हिरण्य पंडित जी को घर में उन्होंने रहे, जब रहे अभी वो सब जाकर के देख लिया नित्यानंद प्रभु कैसे कैसे अलंकार पहनते, वो वापस गया सब डाकुओं को बुलाया, बुला करके मीटिंग किया,
मीटिंग करके सोचे बोले देखो ये जो साधु है ना करोड़ों करोड़ रुपया की संपत्ति अगर उसका लौट लिया ना पूरा हम माला माल हो जाएंगे। इसलिए पास हम लोग एक साथ में रात में उसको पर आक्रमण करेंगे। वो अकेला रह रहे हैं कोई तो है नहीं, इसलिए पास आक्रमण करेंगे सारे लूट पाट करके हम ले लेंगे। उन्होंने क्या किया रात में उनको घर में आक्रमण किया। जब उनको पर आक्रमण किया लेने के लिए है उनको उन्होंने आक्रमण किया तो है बैठे हुए थे जब सो जाएंगे कोई भेज दिया देख करके आओ क्या कर रहे बोले भोजन कर रहे। और उनको जो साथ में ना कुछ लोग बोला हरी हो सब क्या भली हरी बोला कर रहे हैं लेकिन वो क्या बोल रहे थे हरी बोल कर रहे थे। बोले पता नहीं उनका जो जो रहने वाले दोस्त है ना पता नहीं क्या हरी हो क्या ये सब क्या कर रहे हैं सब के सब है। इसलिए अरे सो जाए घर तो सब देख लेंगे सब लूट लेंगे। इतने में जब माया ने किया कि ये सबको एकदम सुला दिया एकदम सो गए रेडी थे आक्रमण करने के लिए सो जाएंगे तो सबके सब मोह निद्रा में सो गए। जब सो गए कितने में सवेर हुआ सवेर जब हुआ जो कौवा पहले काका करते हैं ना चिड़िया चेचा करते हैं उसको सुन करके सबका नींद खोला। जब नींद खोला अरे अरे हम तो चोरी करने के लिए आए थे सो गए कैसे। उनका हाथ में जो तलवार था ना खड़गा तलवार उन्होंने देखा कोई देख नहीं ले जंगल में फेंक भाग दिया फेंक भाग करके भाग गए भाग करके एक दूसरे को दोष ले गए बोले तुमने पहले सो गया था ना इसलिए ऐसा हो गया। दूसरा गया तू क्या जगा था तुमने जग मैंने माना सो गया लेकिन तुम क्या जग रहा था। तीसरे ने कहा तुम क्या कर रहा था बोले मैं भी सो गया था लेकिन ये नित्यानंद प्रभु का था ये चीज को ये समझ नहीं बोले वापस गए बोले देखो लगता है हम लोगों ने मैया देवी को पूजा करते हुए नहीं गए ना है उनको बलि चढ़ा करके नहीं गए ना कुछ डाकू ऐसे करते है वो चोरी करने से पहले माँ के पास में जाएंगे बलि चढ़ाएंगे मुर्गा नहीं तो कोई बकरी को फिर माँ को संतुष्ट करके जैसे पकड़ में नहीं आई जाएंगे तामसी की लोग है इसलिए बोले लगता है इसलिए आज ऐसा हो गया कल जाएंगे पहले माँ के पास में जाएंगे बलि चढ़ाएंगे बस माँ को खुश करके जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरे दिन गए जब दूसरे दिन गए जब माँ को पूजा पूजा करके खुश करके बोले आज बस कोई कह रहे हैं उनका हाथ में जो बाला है ना उसको मैं लूंगा दूसरा कह रहे हैं उनको गले में जो हार है मैं लूंगा तीसरा कह रहे हैं उनका पैर में देखा बड़े सुंदर सोने के नुपुर है कोई कह रहे हैं हम सोने का नुपुर लूंगा बस अपना मन मन में कला खा रहे हैं कला खा रहे हैं। और सबके सब जो रात में गए चोरी करने के लिए सर में नील कपड़ा को बांध करके एकदम सर धज करके जैसे डाकू जाते हैं ना गए जब गए उन्होंने देखा हे भगवान इतने इतने लंबे लंबे जैसे घर जैसे ना ताल का पेड़ जैसे इतने बड़े बड़े लोग खड़े हुए लंबे चौड़े तगड़े और एक व्यक्ति वहां कह रहे एक व्यक्ति को शरीर में कितना शक्ति 100 व्यक्ति को मार सकता है 100 व्यक्ति को एक साथ में ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए थे जिसको देख कर बोले भैया ये क्या है लगता है ये गोसाई कुछ जानता है हैं ये गोसाई इसलिए लगता है ये सब कहां से लोगों से तो बुला करके ले आया हैं नहीं तो ये क्या किसी दृश्य से कोई राजा लोग कुछ आए हैं उनके साथ में पाई के लोग आ गए सिपाही भी आ गए होंगे इसलिए बोले वहीं पर बैठ रहे वहीं पर बैठ रहे चोरी करने के लिए लेकिन देखा जो लंबे चौड़े लोग ना सो ही नहीं रहे वो चारों तरफ घर का चारों तरफ में चक्कर लगा रहे पहले देखा भैया कब तक यहाँ बैठ रहे चलो आज चले जाते लगता है गोसाई को कुछ था कुछ कुछ पता चले गया चलो बैठ कर क्या हुआ चले जाते बेटे 8-10 दिन तक गायब हो आए फिर दल दल और साथ में फिर उन्होंने चोरी करने के लिए आए। जब उन्होंने चोरी करने के लिए आए रात में जब उन्होंने धावा दिया है आक्रमण किया इतने में किया हुआ वहां पर सबके सब गड्ढे में गिर पड़े हैं। नित्यानंद प्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाया सबके सब गड्ढे में ही गिर पड़े और गड्ढे में गिर करके सबके सब क्या उनकी जो अवस्था हुई है क्या अवस्था हुई है कहते कोई व्यक्ति तो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं खाई को भीतर गिर करके किसको तो कीड़े काट रहे थे किसके शरीर में कोई देख रहा है तो कुचिष्ट गर्त में कोई गिरा पड़ा हुआ
वही देख रहे हैं उनको पक्के जो कीड़े मकड़े किसको काट रहे हैं, किसका शरीर में कांटा चुभ रहा था, किसका शरीर में है, किसका हाथ प्यार, किसकी टूट गया, किसका हाथ प्यार है। इसलिए इतने में इंद्र ने क्रोधित हो गए, बोले दुष्टो हमारे प्रभु का अलंकार चोरी करने के लिए आए। इतने में श्री इंद्र ने क्या किया, ऐसे मुसलधार से बारिश करना शुरू कर दिया, ऐसे ओले गिरे, हे भगवान सबका अवस्था खराब, सब अंधे हो गए, कोई कहीं इधर उधर जा नहीं पा रहे। इसलिए उसको पहले कह रहे हैं, बोले नित्यानंद चरण भजे जे जे जने सर्व विघ्न खंडितार सवार स्मरणी अपित्या खंडयार दास स्मरणी से प्रभु रे विघ्न करी बिक को न जने सर्व गण सह विघ्न नाथ दास जाता चार दास चार अंश रुद्र करे जगत विनाश। यहाँ पर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु का तत्व तो यहाँ पर बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, बोले नित्यानंद चरण भजे जे जे जनम, जो व्यक्ति श्री नित्यानंद गुरु का चरण को भजन करते हैं, कहते सर्व विघ्न खंडित आर सवार स्मरण, का जिनका स्मरण करते हैं जीवन में जितना बाधा विपत्ति है सारी बाधा विपत्ति दूर हो जाते हैं। कहते नित्यानंद गुरु का बात ही छोड़ दो, उनका जो सेवक है नित्यानंद गुरु बलदेव गुरु का जो सेवक है जिनके दास को स्मरण करते ही सारे अविद्या नाश हो जाते हैं। जगत में से कौन व्यक्ति जो कि उनको ऊपर में बाधा डाल सकता है, जिनके दासों का स्मरण करने से सारे अविद्या बाधा दूर हो जाते उनको क्या कर सकता है। इसलिए सर्प गण सर्प इतना नाथ जार दास, कहते जो विघ्न नाथ जार दास है, कहते इनकी जो विघ्न देने वाले सबके सब इनका दास है। कहते चार अंश रुद्र करे जगत विनाश, कहते शंकर जी कौन है, शंकर जी कहते श्री बलदेव प्रभु का अंश श्री शंकर जी भोले बाबा। कहते शंकर जी क्या करते जगत को जी विनाश करने वाले, उनकी अंश स्वयं विनाश करने वाले, फिर उनको क्या कुछ क्या कर सकते हैं। अभी अभी ऐसे सबके सब गड्ढे में पड़ करके अंधे हो गए और सबके सब सबका शरीर शरीर बुखार आ गया, सबका शरीर में कुछ दिख नहीं रहा था चारों तरफ में। अभी क्या करें, कहाँ जाए, अंधे होकर पड़े हुए बड़ा कष्ट भोग कर रहे, बारिश से ओले उधर गिर रहा है ऊपर से, इतने दुख इतने दुख इतने दुख, कहीं जाने का रास्ता नहीं। उनका जो जलपति था ना दसवीं का जो डॉक्टर का सरदार, वो सोच रहा है भैया जो नीता जो गोसाई है ना ये कोई साधारण नहीं। जब पहला दिन आए उन्होंने ऐश्वर्य दिखाया, क्या हुआ जैसे सबके सब आए, एक व्यक्ति तो सोएगा, दो व्यक्ति, दस व्यक्ति, लेकिन एक तो कोई जगह रहेगा ना, लेकिन वो सबके सब कैसे सो जाएंगे हैं। इसलिए पहला दिन तो सबके सब सो गए, और दूसरे दिन उन्होंने पता नहीं इतने बड़े बड़े घर जैसे ऊंचाई पेड़ ताल पेड़ जैसे यहीं से कहीं लोग आते हैं, कहीं एक व्यक्ति सौ व्यक्ति को घायल कर सकता है, पता नहीं दूसरे दिन भी उन्होंने अपना ऐश्वर्य की दिशा दिखाया, लेकिन हम लोग उनको पहचान नहीं पाए। आज देखो लास्ट का दिन क्या हुआ। इसलिए उन्होंने मन मन में श्री नित्यानंद गुरु के चरणों को उन्होंने स्मरण करने लगा, बोले गोसाई जी कृपा करो, आपकी ऐश्वर्य को हम समझ नहीं पाए, हम सबको पर आप कृपा करो, उनके चरण की उन्होंने स्मरण करने लगे। जब स्मरण करने लगे इतने में बोले जे चरण चिंतिले आपद नाहियार सही खणे कोटि अपराधिर निस्तार। यहाँ पर कह रहे हैं जे चरण चिंतिले आपद नाहियार, कहते अगर कोई श्री बलदेव प्रभु पर नित्यानंद गुरु की चिंता कर क्या होगा, सारे जीवन का विपद दूर हो जाएगा। लेकिन सही खणे कोटि अपराधिर निस्तार, उस समय में करोड़ अपराध निस्तार हो जाते हैं जब उन्होंने निताई चरण को उन्होंने स्मरण किया। और क्या बोले, भूमि स्खलित बाधानाम भूमिरेव अवलंबनम त्वयि जाता अपराधानाम त्वयि शरणम प्रभु है। जैसे उदाहरण दिया भूमि स्खलित बाधानाम, जैसे कि बच्चा जब चलता है ना, आप देखना जब बच्चा सबसे पहले चलना सीखता है क्या करता है, भूमि पर गिर जाता है, लेकिन जब भूमि पर गिर जाता है फिर उठता है कैसे, फिर भूमि को ही सहारा दे करके फिर खड़े हो जाता है। ये लगता है हे प्रभु आपका चरण में अपराध हुआ, आप ही हम लोगों को उद्धार कर सकते हैं,
जब उन्होंने मन मन में उनके चरण को उन्होंने स्मरण किया है, नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु बड़े कृपालु हो, इसलिए प्रभु प्रभु आप ही मार सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। जो प्रार्थना किया उस प्रार्थना सुन करके धीरे 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 दोनों का सबका आग धीरे धीरे खोलने लग गया, बारिश जो हो रहा था धीरे धीरे बारिश बंद होने लग गया है। जैसे प्राय सबके सब प्राय मृत प्राय हो गए थे, एकदम जैसे मरने का लायक सबके सब हो गए थे, फिर सबके सब गए गंगा में स्नान किया, स्नान करके फिर आकर के श्री नित्यानंद प्रभु का चरण में उनने शरणागत हुए। फिर महा नित्यानंद प्रभु भक्तों को साथ में बैठे हुए थे, हरि कीर्तन कर रहे थे, सबके सब आकर के महाप्रभु का चरण नित्यानंद प्रभु का चरण में गिर करके, और उनको क्या हो रहा था नित्यानंद प्रभु का स्मरण किया ना, आश्चर्य डाकू थे लेकिन उनकी आंखों से आंसू की झरी बह रही थी, हैं आंसू की झरी बह रही थी। सबके सब लोग सोच रहे थे नित्यानंद प्रभु को साथ में बैठे हुए, सब जानते हैं ये डाकू का सरदार है, डाकू का सरदार इस दल में जो आए ना सब डाकू है। वो सोच रहे थे तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे छलना बहाना बना करके चोरी करने के लिए तो नहीं आए, ये आंखों से आंसू बह रही है क्या है, हैं डाकू दुष्ट बदमाश आंखों से आंसू, उनका हृदय बड़ा निर्दय होता है। सबके सब डर रहे थे हैं ये तो कपट नहीं है, कोई कोई सोच रहे थे नित्यानंद प्रभु पतित पावन है दुष्टों को उद्धार करने वाले, इसलिए इतने में नित्यानंद प्रभु ब्राह्मणों को बोले क्या क्या बात है, हैं क्या बात क्या बताओ, अकपट में बताओ तुम लोगों ने रात को क्या देखा बोलो। जब उन्होंने बोले तो उन्होंने सब कुछ बताया, पहला दिन कैसे देखा दूसरे दिन कैसे देखा, रात में हमने कितने दुख कष्ट भोगे लेकिन जब आपकी चरणों को हमने स्मरण किया सारे दुख दूर हो गया सबके सब है। दस प्रेमी की तब दस लोग अपना प्रेम से विभोर होकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने सब सुस्ती होकर जब बोले हे नदिया ते प्रभु बसति आमार नाम से ब्राह्मण प्याध चंडाला आचार्य प्रभु, इस नदिया में हम निवास करते हैं, नाम से तो हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम प्याध चंडाल हम निकृष्ट जाति है, डाका चूरी पर हिंसा, इसलिए प्रभु हम सारे पाप कर्म करते हैं, इसलिए हमने आपका शरीर में अलंकार को देख करके चोरी करने के लिए इच्छा की, प्रभु हमारी क्या दुर्गति होगी हैं, इसलिए उन्होंने बड़े दुखी हुए। दुखी होकर कहते थे प्रभु क्रंदन करते करते वो डाकू लोग क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु हम सोच रहे हैं ये गंगा में अपना प्राण त्याग करें क्योंकि आपका शरीर से अलंकार को चोरी करने की इच्छा की, ऐसे शरीर को हम रक्षा करना नहीं चाहते, आप प्राण त्याग देना चाहते, लेकिन नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु जो मार खा करके प्रेम देने वाले नित्यानंद प्रभु उनका सांत्वना दिया, बोले कृष्ण तुम सबको ऊपर में प्रसन्न है इसलिए तुम्हारी सारे भव बंधन नष्ट हो गया। महाप्रभु ने डाकुओं को उन्होंने उद्धार किया, बोले सुन दी जो जते के पातक कैल तुम्हें आर यदि ना करी सब नीमो मुई, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जैसे महाप्रभु जगाई माता को बोले थे ना आर यदि ना करी सब दाई मरो, अगर और आगे पाप नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे पाप को मैं ग्रहण करता हूँ, इसलिए यहाँ पर नित्यानंद प्रभु यही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोले सुन दीजो जत्ते के पातक कहलो तू ही अभी तक तुमने जितने पाप किया है अगर कोई पाप नहीं करोगे तो सारे पाप में ग्रहण कर लेता हूँ, इसलिए फिर उनने सब जितने डाकू लोग थे सबके सब सारे पाप को छोड़ करके सारे पाप छोड़ करके नित्यानंद प्रभु का शिष्य बन गए चरण में, और महा नित्यानंद प्रभु अपना गला में जो प्रसादी माला उनको उन्होंने पहनाया, पहना करके तुम्हारी सारे बंध विमोचन हो गया, प्रभु के चरण में गिर कर क्रंदन करने लगे और नित्यानंद प्रभु का सबका सर पर हाथ दिया, इसको देख करके जितने भक्त लोग थे ना प्रेम में गदगद हो गए, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, बोले सबरी कर महाप्रभु की, कद सब दस्यु भक्त हो गए, बोले एक एक लाख नाम रोज रोज कितना हरिनाम लिए
रोज रोज एक एक लाख हरिनाम ले रहे थे, सबके सब कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए। बल अन्य अवतार के हो छट नहीं पाए, निरवधि नित्यानंद चैतन्य लवाए। जोगेश्वर सबे वांचे जे प्रेम विकार, से अश्रुज कंप से बहु फुल भूखार। कहते हैं जैसे रामा भगवान राम आए कृष्ण आए, लेकिन उन्होंने इतने जल्दी उनको हृदय में भक्ति नहीं दिया, किसको इतना हृदय में। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जोगेश्वर लोग भी जो प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते नित्यानंद प्रभु आसानी से ही उनको उन्होंने वो प्रेम वो भक्ति उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते श्री नित्यानंद प्रभु का चरणों को भजन करने पर क्या होगा, श्री महाप्रभु प्राप्त होंगे। नित्य ग्रामे ग्राम में भ्रमण और जितने क्या कर रहे हैं सब स्थान में विहार करते हुए सबको नित्यानंद प्रभु प्रेम देने लग गए। बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले श्रीमान शक्ति नंदन गौर हरि की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गुना मणि अमार, निताय गो नमानि, निताय गो नमानि अमार, निताय गो नमानि अमार, निताय गो नमानि आनिया प्रेमेर बन्ना भाषाय लव Yeah.